नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस प्रकार से पहचान लो, इस फल को एक टुकड़ा मिल जाए तो समझो हीरा है, मरते दम तक कमजोरी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से ये फल इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए दोस्तों, ये है चीकू। जी हाँ, आज इसी का फायदा बताने वाला हूँ। चीकू का पेड़ मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंध व वेस्ट इंडीज द्वीप महासमूह जो है वहाँ पे इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। जी हाँ, जो चीकू होता है वर्तमान समय में सभी देशों में पाए जाते हैं, लेकिन पुराने समय में वेस्ट इंडीज हैं या अफ्रीका में ही पाए जाते थे। तो चीकू जो होता है दोस्तों लंबा होता है, गोलाकार का होता है और ये बहुत सारे आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। जी हाँ, आयुर्वेद में और वैज्ञानिक के मतानुसार चीकू के फल में थोड़ी सी मात्रा में सम्पोटेनिक नामक तत्व रहता है। चीकू के बीज दस्तावर और मूत्र कारक माने जाते हैं। चीकू के बीज में सापोनिन एवं सापोटिनिन नामक एक कड़वा पदार्थ होता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चीकू ठीक से पके हुए खाना चाहिए, कच्चे चीकू नहीं खाना चाहिए। कच्चे चीकू कब्जा पैदा करते हैं और पेट में भारीपन ला सकते हैं। तो चीकू से मिलने वाले फायदा बताऊंगा, 3 मिनट का वीडियो बनने वाले हैं। 3 मिनट के वीडियो में आज की इस वीडियो में बताएं गए जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे। हो सकता है चीकू के मिलने वाले जो फायदा बता दूं इससे आपको बाद में चल करके काम आ जाए, इसलिए मैं पहले भी वीडियो के टाइटल और थंबनेल में लिख ही चुका हूं। तो फायदा नंबर पहला है, यह दस्त को दूर करता है मित्रों। चीकू की छाल का काढ़ा बना करके पीने से दस्त और बुखार ये दोनों जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। धातु पुष्टि करने के लिए चीकू को शर्करा के साथ यानी कि शक्कर के साथ खाने से शरीर में धातु की पुष्टि होती है। फायदा नंबर तीसरा, पेशाब की जलन। जी हाँ, चीकू के सेवन करने से पेशाब की जलन शांत हो जाती है, बार बार पेशाब आना भी बंद हो जाते हैं। पित्त प्रकोप दूर करने के लिए भी चीकू को रात भर मक्खन में भिगो करके सुबह के समय खाने से पित्त प्रकोप शांत होता है तथा यह बुखार में भी लाभकारी होता है। फायदा नंबर आखिरी यानी कि पांचवा, खून की कमी दूर करने के लिए। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए रोजाना 3 से 4 चीकू 8 से 10 दिनों तक लगातार खाने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। आपके शरीर में इतना भरपूर खून बन जाते हैं कि आप दूसरे को भी डोनेट कर सकते हैं। तो खून बढ़ाने के लिए यह नेचुरा फल जरूर खाएं, इसमें आपको काफी फायदा मिलता है और ये आपके शरीर में आए हुए हर प्रकार की कमजोरी को दूर कर देते हैं। तो ये थे चीकू से मिलने वाले फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। यह जानकारी कैसा लगे मित्रों हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।